नहीं दिखा दिया था कि वैसे बना, तुम वैसे ही बना लेती हो या? तो लेकिन सबूत तो आ गया ना तो कि हाँ तुम खाली ये दिखाती हो, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, करती नहीं 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 मैंने सच्ची में, आज सच्ची में मैंने वीडियो भी लिया है। अरे ये नहीं दो, क्या कर रहे हो रयन? मैं कर रहा हूँ रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम। मैंने कहा था इससे वर्ड्स गेम खेलो, वो तो खेल नहीं रहे हो भाई। से मैं कह रहा हूँ मिसिंग वर्ड्स गेम। हाँ हमजा वही करो, एलिको हाँ बी मतलब सी डाल दो। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम हो गया जी आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और ये देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एप्पल कट करके, क्योंकि ना मैंने अभी सुबह से नाश्ता किया, उसके बाद काम कर लिया बहुत सारा, कपड़े वगैरह भी आज धोए तो कपड़े भी धो लिए और खाना भी खा लिया था, लेकिन उसके बाद अब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो एप्पल काट लिया। तो ये मैं अकेले नहीं खा रही हूँ, एक्चुअली एप्पल मैंने अपने लिए भी नहीं काटा है। ये एप्पल मैं किसके लिए कराई हूँ आपको दिखाती हूँ। घूम क्यों गए? एक्चुअली ना वो अपना फेस दिखाना नहीं चाह रहे है ना। क्यों? एप्पल दिस इज फॉर यू। प्लेट ले लो पूरी, सारे ही आपके हैं। ये कहो ना पैसे रख लें पहले, वॉलेट थोड़े से मुझे भी दे दो। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, और जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती तो मेरे में एनर्जी बिल्कुल नहीं आती है। आपको क्या लगता है? ऐसा ही है, क्योंकि जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती तो मेरा बिल्कुल पूरा टाइम ना काम पे ध्यान रहेगा और बिल्कुल सीरियस रहती हूँ, बिल्कुल सीरियस, किसी से कुछ मतलब नहीं है, फटाफट फटाफट अपना काम किया सकूँ। और जैसे ही मैं ब्लॉग ऑन करती हूँ ना तो मेरा चेहरा जो वो खिल उठता है, फिर अपने आप से ही खुद बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करने लग जाती हूँ। अभी देखती हूँ क्या कर रहे हो भाई, अपने सोल्जर से खेल लेना। मैं भाई के सोल्जर थी, ले लिए थोड़ा। ये इस पजल के साथ पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे दोनों भाई। लो मैं आपकी प्लेट लिए लिए घूम रही हूँ। शर्ट टाइट हो गई है आपकी, दूसरी ले आना। लो हटो। अरे मैं संतरे कहाँ रख के आई हूँ, मुझे संतरा खाना था, संतरा बोल। ये संतरे लेकर आई हूँ, एक मैं भी खाऊंगी। लो एक एक संतरा ले लो। लो ये लोगों को देना पड़ता है तब जाके कहीं खाते हैं। लो रयन और ना काट कर दो। अब ये काट के भी मैं दूंगी, लोचन नानी कर देंगे। रुको चिल्लानी पड़ेगा। हाँ चाकू से चिल्लानी पड़ेगा। लो हाँ, तुम भी इसका भी कर दो ना, मैं अपना लूंगी बाद में। और गाइस देखिए हमारी अम्मी आ गई हैं, कल आई थी। कल आई थी लेकिन कल से आज आपको दिखा रही हूँ। खाओ मैं अभी इनका जो कर दूँ, जरा जूते भी बांध दूँ पहले। लाओ अभी इनका काम रह गया, काम पूरा कर दें। ये है मेरा काम। क्या गलत बात है? मुझे अपने जूते बंधवाते हो तो कौन कह रहा है? अभी मैं कह रही हूँ अभी अभी, और मैंने सबूत इसमें ले लिया, मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया था। अभी अभी ना देखो मुझे क्या याद आया, ये चॉकलेट हमजा के लिए लेकर आए थे बर्थडे के लिए, पर भूल गई थी। रयान देखो, रयान बनाने में लगे हुए अभी भी। रयान क्या बनाया तुमने? ये क्या बना देते हो? डबल डोर बनेगा ना। अच्छा हाउस बना रहे हो। ये चॉकलेट लोगे? चॉकलेट लोगे? आ जाओ मैं खोलूंगी इसको। वाओ मैं मेरे ध्यान से उतर गई थी, मैं लेकर आई थी इसके हमजा के लिए। मैं भी तो वही देख रहा हूँ। रुको बेटा रुको, टेप लगी है। ये गाइस ओपन हो गया, रुको। ये लो खुश दो मुझे दवाई को। रुको रुको इसके अंदर से दिखाता हूँ। दिखाओ रयान, दिखाएंगे कैसी है। रयान खाने लग गया, कैसी है दिखाओ। व्हाइटनिंग है इसके अंदर, हेजलनट्स है ना। लंच किए काफ़ी देर हो गई लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है मुझे भूख ही नहीं लग रही, मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मीठा खाने का मन कर रहा है। मीठे से तो बस ऐसा लग रहा है कि कुछ घर का मिल जाए मीठा, तो मैंने कहा चलो अम्मी मैं सेवई बनाती हूँ। दूध भी गर्म होने रख दिया है, सेवई मैं घी में भून रही हूँ, और चॉकलेट भी खाई है मैंने लेकिन चॉकलेट से भी मज़ा नहीं आया, तो अब मैं सेवई बना रही हूँ। और आज का लंच पता क्या था, मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा मैंने खूब अच्छे से पेट भर के खाया, क्योंकि आज की रोटी जो है वो मेरी अम्मी ने बनाई और बहुत अच्छी बनी थी,
सच में, क्योंकि अम्मी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना भी हम अपनी अम्मी से सीख लें, हर एक बेटी अपनी माँ से चाहे कितना भी सीख ले, लेकिन उनकी बराबर नहीं हो सकती। तो मुझे जो खाने बनाने के गुण है ना, वो मेरी अम्मी से ही आए हैं। बहुत अच्छा बनाती हैं अम्मी मेरी खाना। तो आज उनके हाथ की रोटी खाई ना, तो बस पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया, मैंने ज़्यादा ही खा लिए। वैसे तो खाना मैं ही बना रही थी, मैंने सब्जी बना दी, आटा गूंद के रख दी थी, मैं नहाने चली गई, मैंने कहा मैं नहा के आती फिर बनाती हूँ, लेकिन अम्मी ने देखा कि मैं नहाने गई हूँ, तो अम्मी ने बना दी झटपट से रोटी। अभी मैं इसे ना हल्का ढक के पका रही हूँ, दूध जो है वो स्लोली स्लोली पकेगा और फिर ये एकदम मज़े की गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी जब अच्छा लगता है। ये दोनों खेल में लगे हुए हैं अपने, देखो इन दोनों का ना जब से ये निकाले इन्होंने, ये इसी में लगे हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं लेकर बैठते हैं। तोड़ दिया ना मुझे, हाँ मुझे पता है, ये अभी दो दिन में सारे अलग हो जाएंगे टूट टाट के, है ना? नहीं होंगे, जहाँ बैठते हैं वहीं लेकर बैठ जाते हैं। करीब 10 मिनट हो गए हैं मैंने इसको रखा हुआ था स्लो गैस पर, अब देखते हैं हमारी सेवई कैसी हुई है। यस, देखने में तो मस्त लग रही है और परफेक्ट हो गई है, और देख रहे हैं दूध भी कितना गाढ़ा हो गया, देखो आपको देखो, है ना? ऐसा लग रहा है इतनी ज़्यादा खुशी हो गई ना, मीठा बन के रेडी हो गया। तो चलिए अभी लेके जाते हैं अम्मी के पास और हम सभी खाते हैं। हमदा रैयान आ जा, रैयान जल्दी आओ, उठो। अम्मी कैमरे से बच रही हैं तो इसलिए मैं अम्मी को नहीं दिखा रही हूँ। वही है, बालों के लिए जो तेल बनाती हूँ ना तो वो ख़त्म हो गया, तो आज मैं तेल भी बनाऊँगी, काफ़ी सारा बना रही हूँ। इसमें डालूंगी ये फूल मेथी दाना, करीब इतना डाल दूंगी सारा। अब ये तेल में पकता रहेगा और हमारा तेल जो है बनके रेडी हो जाएगा। आज है सैटरडे तो आ रहा है वीकेंड का बार, तो अभी मैं बैठ के बिग बॉस देखती हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। तो देखिए स्टार्ट हो गया है वीकेंड का बार, शनिवार वीकेंड का बार। यस।